दावा यह किया जा रहा है कि लखनऊ के लुलू मॉल में एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। वीडियो में मॉल के अंदर नमाज पढ़े जाने का दावा किया जा रहा है। लुलू मॉल में एक महिला के नमाज पढ़ने का वीडियो अब की बार तेजी से वायरल हुआ है। यही वो वीडियो है, बुर्खा पहने एक महिला के नमाज पढ़ने का ये वीडियो सामने आया है। इससे पहले भी कुछ लड़कों ने लुलू मॉल में जाकर नमाज पढ़ी थी, वो वीडियो वायरल हुआ और उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की। मॉल प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाजत मॉल के परिसर में नहीं दी जाएगी। और अब बुर्खा पहने एक महिला का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है और इसे लुलू मॉल का ही बताया जा रहा है। यह वही वीडियो है जो वायरल हो रहा है, इसमें बुर्खा पहने एक महिला नमाज अदा करते देखी जा सकती हैं। दावे के मुताबिक यह वीडियो लखनऊ के लुलू मॉल का है, जहां इस साल जुलाई में भी नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मचा था और अब एक बार फिर नमाज पढ़े जाने का यह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि काले रंग के बुरखे में मौजूद एक महिला एक कॉरिडोर में नमाज पढ़ रही हैं। आसपास उनके कई लोग भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इसी दावे के साथ सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो लखनऊ के लुलू मॉल का ही है। और ये पूरा वीडियो 44 सेकंड का है और 44 सेकंड के इस वीडियो में क्या क्या नजर आया एक बार वो भी जान लीजिए। वीडियो में नजर आ रहा है कि 5-6 मुस्लिम महिलाएं और 1-2 बच्चे यहां खड़े हुए हैं। कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं वीडियो में और उनके बीच में मौजूद बुर्खा पहने हुए एक महिला जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ रही है और इस बीच कोई चुपके से ये वीडियो बनाता है। इस वीडियो पर अगर नजर डाली जाए तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि वीडियो बनाने वाला ये नहीं चाह रहा था कि उसे वीडियो बनाते हुए कोई देख ले। और वीडियो बनाते बनाते वॉशरूम की ओर ये शख्स निकल जाता है और चंद सेकंड बाद फिर से बाहर निकलता है। ये वीडियो मॉल के ग्राउंड फ्लोर का बताया जा रहा है, लेकिन हम यहां एक बार फिर क्लियर करना चाहेंगे कि ये सारे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये खबर इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले लुलू मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मामला थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि जुलाई में इसी तरह की घटना सामने आई थी जिस पर खासा हंगामा मचा था और कई दिनों तक पुलिस और प्रशासन के पूरे अमले को यहां पर तैनात करना पड़ गया था। और अब एक और वीडियो वायरल हो गया है। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अब यह मामला क्या है और पुलिस की तफ्तीश में या फिर मॉल एडमिनिस्ट्रेशन की तफ्तीश में क्या जानकारी सामने आई है? ये वीडियो लुलू मॉल का है भी या नहीं, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लुलू मॉल में एक महिला नमाज करते हुए दिखाई पड़ रही है जो कि बुर्के में है और उसके साथ उसके परिवार के लोग भी हैं, हालांकि वो लोग नमाज नहीं कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दावा किया जा रहा है कि लुलू मॉल का वीडियो है। देखिए, लुलू मॉल पिछले 1.5 महीनों से देखिए किस तरीके से चर्चा में रहा है, चाहे वो सबसे पहले जो वीडियो आया था नमाज पढ़ने का, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का, पुलिसिया कार्रवाई उसमें हुई थी। प्रशासन ने भी, जो मॉल का प्रशासन है उसने भी नोटिस जारी करके कहा था कि कोई भी धार्मिक कार्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को पुलिस ने अपने संज्ञान में लिया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और आज इसको लेकर के CCTV सारे खंगाले जा रहे हैं। जो लुलू मॉल प्रशासन है उससे भी जवाब मांगा गया है, तो पुलिसिया कार्रवाई की तरफ, पुलिसिया जांच की तरफ ये आगे बढ़ रही है कार्रवाई। अब इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उस हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन एक बार फिर लुलू मॉल चर्चा में है नमाज पढ़ने को लेकर के, और इसको किस तरीके से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लुलू मॉल का ही वीडियो है, इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो जाँच कर रहा है और जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। जी उमेश, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना कुमार जी, क्या लगता है, अब ये एक और मामला सामने आ गया है। जुलाई में भी हमने देखा किस तरह से कुछ युवकों का यहाँ नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद आपके संगठन के लोग वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुँच गए थे, अब एक बार फिर नमाज का वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये पहले भी लुलू मॉल प्रबंधन के द्वारा इस्लाम के प्रचार का पूरा प्रयास किया गया था
और उस समय भी हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था, सरकार से मांग की थी कि लुलू मॉल को बंद किया जाए और जो लुलू मॉल का ये मालिक है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। उस समय ये नहीं, इसमें मॉल को कैसे बंद कर दिया जाएगा, मतलब इतने सैकड़ों लोगों का रोजगार आप क्यों बंद करवाना चाहते हैं, मॉल को क्यों बंद कर दिया जाएगा? अगर मॉल में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है और किसी ने नमाज पढ़ी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, जो भी नमाज पढ़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और लुलू मॉल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई हो और इसका जो मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा करके और तुरंत उसको गिरफ्तार किया। शुक्रिया, शुक्रिया मुन्ना जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता वो ये कह रहे हैं कि मॉल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ये कहा था कि भाई धार्मिक गतिविधियां जो हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला ने यहां पर नमाज पढ़ ली। तो ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और मामला एक बार फिर एक बड़े विवाद की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वीडियो लखनऊ के जिस लुलू मॉल का होने का दावा किया जा रहा है उसी लुलू मॉल में 13 जुलाई को कुछ युवकों का नमाज पढ़ते हुए वीडियो सामने आया था। अब वो पुराना वीडियो यानी 13 जुलाई का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा मॉल है लखनऊ में जो कि लुलू मॉल के नाम से जाना जाता है और लखनऊ जाने वाले टूरिस्ट के लिए भी ये बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। ये मॉल खुलता है और उसके चंद दिनों बाद ही यहां पर 13 जुलाई का ये वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें कुछ लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, मॉल में नमाज पढ़े जाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने सख्त एतराज जताया। उस वक्त भी खुले में यानी पब्लिक प्लेस में लोग नमाज पढ़ते नजर आए थे, जबकि अप्रैल 2020 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बाद से ही यह नियम काफी कड़ाई से लागू किया गया, लेकिन लुलू मॉल का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और अब एक बार फिर से कल एक और वीडियो वायरल होने लगा जिसमें लुलू मॉल में एक महिला के नमाज पढ़ने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, लखनऊ के लुलू मॉल में फिर पढ़ी गई है नमाज और इससे पहले अब तक हुआ क्या है ये देखिए, नमाज पढ़ने का नया वीडियो वायरल हो रहा है और 13 जुलाई की वो घटना भी यहां याद दिलानी जरूरी है जब नमाज पढ़ने का पहला वीडियो लुलू मॉल से सामने आया था। मॉल खुलने के फौरन बाद ही कुछ मुस्लिम नमाज पढ़ते यहां पर नजर आए थे 13 जुलाई का ये वाकया, और इसको लेकर खासा बवाल भी मचा। अब ये हुआ है कि बुर्का पहने महिला का वीडियो वायरल हुआ है।